हाय दोस्तों, मैं सिंहेश्वर मंडल और मैं आज आपको फरीदाबाद के कुछ एरिया है जो कि दिल्ली और फरीदाबाद से मिलते हुए जिसको बदरपुर और ये सा एरिया बोलते हैं, तो वो एरिया को मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है और क्या है। कि जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं पूरा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये हाईवे है सामने आप देख रहे हैं, जो कि मथुरा और मुंबई के लिए जो यहाँ से हाईवे है या ट्रेन है निजामुद्दीन से जो चलती है, सामने है मेट्रो लाइन भी है, तो सुविधा तो काफ़ी अच्छी है। ये पहाड़ है, यहाँ झील है, ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा पहाड़ एरिया है, पूरा सब कुछ है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं कम से कम यहाँ पर 1 लाख से लेके 5 लाख तक की आबादी पूरा बस चुका है यहाँ पर। ये पूरा आबादी बसा हुआ है जो कि दिल्ली से ऑलमोस्ट आया हुआ है सब। और यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है कि ये खान होता था और यहाँ पे सारे जितना भी ऊपर पहाड़ के पानी यहाँ पे इस एरिया जो देख रहे हैं आप, इस एरिया में जमा हो जाता था यहाँ पे। और लोगों ने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा लालच के लिए इसको बेच दिया है। बेच देने के बाद में क्या है, ये पानी लोगों ने घर बना लिया। तो जब अभी जून जुलाई में बारिश होने वाली है, तो जैसे जून जुलाई में बारिश होगी तो कम से कम 1 फ्लोर से लेकर 2 फ्लोर तक जो है इसमें पानी जम जाते हैं। और उससे क्या होता है कि काफ़ी लोगों को जो है घर छोड़ के जाना पड़ता है। 2-3 महीना तो ये होता है, 3 ऑलमोस्ट 3 महीना कि घर छोड़ के जाना पड़ता है, दूसरे जगह रेंट लगाना था। पानी 1.5 से 2 फ्लोर तक भर जाता पानी, और इससे हर साल में काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो मुनाफाखोर जो लोग हैं जो बेच के चले गए, और वो परेशानी इनके साथ में छोड़ दी। और हालत ये है कि ये जो है कोई देखने वाली नहीं है, ना तो गवर्नमेंट और ना तो चलने का रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सारे जो है पानी मुँह आते हैं, कुछ ऐसा कोई सुविधा नहीं है। रोड ख़राब है, एजुकेशन भी सिस्टम सही नहीं है, सब प्राइवेट स्कूल खोल रखा है और मनमाना पैसा लेते हैं। और जैसे आप जानते हो रोड नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मनमानी चलता है। यहाँ कोई बोलने वाले नहीं है, यहाँ जो भी नेता लोग हैं जो कि सारे वर्कर्स रहते हैं यहाँ पे, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी समस्या है, जैसे कि आप देख पा रहे कि इतना घन बस्ती है और यहाँ पर इतना आबादी है कि इतना ज़्यादा आबादी है कि यहाँ पर जो चाहे सरकार अपना फायदा के लिए तो करते ही है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको एक जो है यहाँ के वासी आ रहे हैं तो मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ उनका। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? बैजनाथ मंडल। सर आप यहीं रहते हैं? हाँ। तो सर यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी हमारे 2-2 मंजिल, 1-1 मंजिल नीचे पानी में डूब जाते हैं। हमारे पास छत होती है तो हम छत पे रहते हैं, अगर छत नहीं होती हमारे पास तो कहीं बाहर जा कर रहना पड़ता है। और ये 4-5 महीने की प्रॉब्लम है, और ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से है, अभी भी ये समस्या है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को। तो जैसे ये आबादी वाले क्षेत्र है, कम से कम 1 लाख से लग रहा है मुझे कि 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की आबादी है यहाँ पे। हाँ, और सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है? नहीं, सरकार के कोई मतलब नहीं, ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्कूल का क्या सुविधा है सर? स्कूल का बिल्कुल नहीं है, स्कूल प्राइवेट स्कूल है जिसमें हम लोगों को, गरीब आदमी को, बच्चे को एडमिशन होता नहीं है, पैसे उतना होते नहीं जो हम पढ़ाई लिखाई करवा सकें। और उसके लिए हमारे बच्चे अनपढ़ रहते हैं, ऐसे कि मैदान में खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो खेलते हैं, ये देख ही रहे आपके रोड, जैसे कि हम रोड देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो रोड कुछ है ही नहीं है, रोड यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ नीचे से बिल्कुल रोड कुछ है ही नहीं बिल्कुल। जो दूर में ही है जो सुविधा है, दूर में है, और दूर में जाने के लिए फिर हमें बहुत सारे समस्या होते हैं। तो ये है बैजनाथ जी थे यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा इधर झील बना रखा है, पूरा ये झील है। यहाँ पे शायद मछली भी पालन होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग मछली भी पकड़ रहे हैं अभी यहाँ पे। और ये झील है यहाँ पे, और पानी का जैसे कि यहाँ मेन चीज़ है कि यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, सब आपको टैंकर से मंगाना पड़ता है। और यहाँ पर जो है टोटल चीज़ जो है, लोग पहाड़ काट कर के घर तो बना लिया अपना बसने के लिए, लेकिन यहाँ सुविधा जो बिल्कुल नहीं है कोई चीज़ के लिए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं पत्थर में, अगर कोई बच्चे मिस्टेक से गलती से अगर गिर गया तो समझो उसका बिना ट्रॉमा सेंटर में जाने से कोई इलाज नहीं है। और जैसे कि अगर कोई बच्चा खेल रहा है और गिर गया तो वो बच्चे के जैसे ये पत्थर सब हैं कि ये पत्थर से बिना सर फूटने से रह नहीं सकता, और सर फूट गया तो उनको पता है एक गरीब आदमी के लिए जाना मुश्किल हो जाता है। और जैसे गोट आ रही है आप देख पा रहे हैं, ये बकरी जा रही है यहाँ पर घास खाने के लिए, अब पहाड़ पे है थोड़ा बहुत जो कि ये जंगली घास है इस तरह से, तो उसको खाने के लिए जा रहे हैं। और समस्या तो काफ़ी है लेकिन देखने वाले कोई नहीं है। अभी है संभाल के, जय हिंद।
ये है पूरा पहाड़ी रास्ता। यहाँ से देख पा रहे हैं आप, यहाँ से देख पा रहे हैं व्यू कितना अच्छा है और वो भी दिख रहा है आपको कितना अच्छा आबादी है और कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है। और ये नज़ारा देख रहे हैं, छोटी थी गर्मी होते हुए भी यहाँ पे एक सुकून सा मिलता है क्योंकि काफ़ी हाइट पे है और यहाँ पे हवा आ रहा है, काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं बैठते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं चारों साइड पहाड़ी पहाड़ है और यहाँ पे यहाँ पे ऐसे जगह में होने के बाद भी काफ़ी मतलब गर्मी महसूस नहीं हो रही है कि गर्मी होते हुए भी काफ़ी लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। फरीदाबाद का सैर कैसा लगा?